بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بياري ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشلي مجلس كترا آج في آبكي خدمت مي ایک سچا اور عبرتناك واقع لے کر کے حاضر ہوا. آج كي اس قصة کا عنوان ہم نے رکھا ہے एक मजलूम लौड़ी की दुआ सही बुखारी में माया आयशा रजी अल्लाह तह से मरवी है कि एक काली और मजलूम लौड़ी नबी करीम सल्हसम के पास तशरीफ़ ले आई आपली वल्लम ने उसे मस्जिद में जगह दिया और उसके लिए एक खेमा नसब किया वो मस्जिद में रहती थी और दिन में मेरे पास कभी कभार आकर के बैठती थी और जब भी मेरे पास वो आए दो मिसरे का एक शेर पढ़ती थी वो कहती थी व्यो अलविशाही मिनत आजीबे बिना इसका माना यह है कि पटके का दिन कमरबंद का दिन मेरे रब के अजीब दिनों में से है या वो पटके का या कमरबंद का वाकया मेरे रब की तरफ से पेश आमदा एक अजीब वाकया है उसी दिन

अरब के एक कबीले में रहा करती थी उन लोगों ने मुझे आजाद कर दिया शायद बड़ी उम्र की हो गई होगी या और कोई वजह है उन्होंने आजाद कर दिया। अभी मैं हालत ही पर थी और आजाद होने के बाद उन्हीं के दरमियान रहने लगी एक दिन का वाकया है कि उनमें से एक खूबसूरत लड़की की शादी होने वाली थी तो शादी के लिए उसने अच्छी तरीके से जब नहाना और गस्ल करना चाहा तो एक जगह चश्मे या किसी ऐसी जगह पर गई मैं वहां पर मौजूद थी उसकी कमर में रेशमी लाल रंग का एक पटका था जो लड़कियां कमर में बांधा करती थी उसने उसे उतार दिया इतनी देर में जब वो अंदर नहाने के लिए गई तो एक चील आती है जिसे हमने भी नहीं देखा और इसे गोश्त का टुकड़ा समझ करके उड़ा करके ले जाती है जब कुछ देर के बाद वो लड़की नहा करके फारिंग हुई और बाहर आती है तो उसका वो पटका या कमरबंद मौजूद नहीं है इधर उधर दाएं बाएं तलाश किया लेकिन उसे ना मिला तो जाहिर बात है इसका मतलब है किसी ने चोरी किया है लोगों को कोई नहीं मिला तो ये जो काली लौड़ी है इसे मुत्तहम किया कि तुमने ये चीज चुराई है अब वो लोग उसे लौड़ी को मारने लगे हत्या की उसकी तलाशी लेनी शुरू की और तलाशी लेने के लिए उसे बरना तक कर दिया उन्हें हुआ कि हमने कहीं करके रखा है उस लोडी को लेकिन तलाशी मुकम्मल तौर पर लेने के बावजूद उस लोडी के पास कुछ भी नहीं मिला चुनाचे इसी दरमियान कि अभी वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि एक चील आया और बिल्कुल उनके सरों के ऊपर मर लगा और जब बिल्कुल के सरों के दरमियान में पहुंच गया तो उस चील ने उस पटके को जो लेकर के गया था उस कमरबंद को उसने छोड़ दिया आकर के वो कमर बंद उन्हीं लोगों के सर पर गिरता है सर पर गिरा अब लोगों के सामने हकीकत वादे हो गई कि ये जो कमरबंद जिसे वो लोग तलाश कर रहे थे जिसे मुझे, मुझे मुत्तहम कर रहे थे अल्लाह तबारक तआला ने मेरी बरात जाहिर कर दी और मैं बरी हो गई तो उन लोगों से उस वक्त हमने कहा था कि देखो इसी के वजह से तुम लोगों ने मुझे, मुझे मुत्तम किया था और मैं बरी थी हती कि तुम लोगों ने मेरे साथ वो गैर इंसानी सलूक किया जो नहीं करना चाहिए यानी मुझे बरहना तक कर दिया लिहाजा तुम अपना पटका लो और अब मैं तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूंगी चुनान्च वो लौडी वहां से निकली और नबी करीम सल्लाम की खिदमत में हाजिर हुई आ करके उसने इस्लाम कबूल किया और जब इस्लाम कबूल कर लिया तो चूंकि उसके लिए कोई और जगह नहीं थी मदीना मनोरा में जाहिर बात है मुसलमानों के लिए तंगी थी तो ऐसे जो लोग जिनके लिए कोई जगह कहीं नहीं मिलती थी नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम उन लोगों को मस्जिद में ठहराया करते थे जैसा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप था, था सुफा का तो इस लौंडी के लिए भी जाहिर बात है आप इस लौड़ी को मर्दों के दरमियान में ठहरा नहीं सकते थे लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए मस्जिद नबवी के अंदर एक खेमा नसब फरमाया एक खेमा लगा दिया और उसके अंदर वो रहने लगी तो माई आयशा रही तो है कि दिन में वो मेरे पास तकरीबन रोज आना या कभी कभार आती थी और जब भी आती थी तो वो ये शेर पढ़ा करती थी कि विशाही मिन व्योमीजी रब्बिना पटके का जो दिन है वो मेरे रब के अजीब गरीब मामलात में से है या पटके का जो वाकया है वो मेरे रब के अजीब वाकयात में से है ये वही दिन है अला मिन यही वो दिन है यही वो वाकया है कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे कुफर के शहर से कुफर के मकाम से अल्लाह ने मुझे निजात दी नाज़रीन ये एक किस्सा है जो आप लोगों ने शायद इससे पहले भी बार बार सुना हो इसलिए कि सही बुखारी में मौजूद है लेकिन असल चीज यह है कि हमें देखना चाहिए कि इससे हमारे और आपके लिए इस किस्से में क्या तरबियती पहलू हैं हमें और आपको इससे क्या सबक लेना है तो देखिए इस किस्से से सबसे पहला सबक जो हमें और आपको मिल रहा है वो ये है कि जिसके लिए किसी जगह रिहाइश का इंतजाम ना हो उसके लिए कोई घर ना हो उसके लिए जायज है कि वो मस्जिद में रिहाइश रखे हती कि वहां पर सोए खाह वो मर्द हो या औरत बल्कि ये भी जायज है कि अगर गुंजाइश हो तो मस्जिद में मुस्तकिल तौर पर उसके लिए रहने का जैसे उस वक्त खेमा लगाया आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने आज भी उसका कुछ इंतजाम किया जा सकता है वक्ती तौर पर वहां पर कोई छोटा सा कमरा बनाया जा सकता है या किसी और चीज के जरिए लकड़ी अबलाकाश या किसी जरिए से वहां पर उस जगह को घेरा जा सकता है ताकि प्राइवेसी बाकी रहे अगर कोई आदमी उसके अंदर रिहाइश रखता है तो दूसरा फायदा यह चीज मशरू है बल्कि शरीयत के अहम कामों में से एक काम है कि अगर किसी शहर या गांव में किसी को आजमाइश का सामना करना पड़े या वहां दीनी तौर पर दुश्वारियां पेश आए तो उस शहर को छोड़कर किसी और जगह इंसान मुंतकिल हो जाए जिस तरीके से इस लौडी को वहां आजमाइश का सामना करना पड़ा अब उसके लिए गवारा नहीं हुआ कि वो लोग जिन्होंने मेरे साथ ये गैर इंसानी और बेमुरत का सलूक किया अब मैं उन लोगों के दरमियान में रिहाइश इख्तियार करूं चुनान चे वो मुंतकिल होकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई लेकिन यह बात जहन नशीन रहे कि अगर उस जगह रहने में दीन को और इज्जत को खतरा है इंसान के दीन को और इज्जत को खतरा है यानी वहां रह करके उसका दीन बिगड़ जाएगा उसकी इज्जत यानी उसके साथ औरत है तो जिना वगैरह का मामला पेश आएगा तो ऐसी जगह को छोड़ करके किसी ऐसी जगह मुंतकिल हो जाना जहां दीन की और इज्जत की हिफाजत हो सके ये वाजिब है अल्लाह तबारक तआला ने मजीद में इसी को हिजरत करार दिया है और अल्लाह ताला ते ही हुक्म से मुता इरशाद फरमाता है या आमनू इन अर्दी फा फा मेरे बंदो, मेरी जमीन बड़ी वसीअ है अगर किसी जगह रह करके तुम्हें दीन पर अमल करने की आजादी नहीं है तुम्हारे दीन को खतरा है तुम्हारी इज्जत को खतरा है तो तुम ऐसी जगह से मुंतकिल होकर किसी और जगह चले जाओ इसी तरीके से इस किस्से से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ गौर करें कि अल्लाह तबारक वाल मगलूम की दुआ कबूल करता है हती की वो मगलूम खा का ही क्यों ना हो यह लोडी कुफर अभी तक कबूल नहीं की थी लेकिन और यकीन मील हो रहा था तो जब उसने अल्लाह तबारक व वाल के सामने अपना हाथ फैलाया और अल्लाह तला से दुआ की तो अल्लाह तबारक व वाली ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया जैसा कि अल्लाह तला फरमाता है मा मा कौन है वो जो मुफ्तर और परेशान हाल की दुआओं को कबूल करता है और उसकी मुश्किल को उसकी परेशानी को दूर करता है जाहिर बात है अल्लाह क्या अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद भी है नहीं है कलील ने बड़े वादे तौर पर यह फरमाया है वह इनका न फाजरन अगरचे वो इंसान फाजर ही क्यों ना हो बाद रवायतों में काफिर का लफ्ज है तो अगर किसी इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा है और नाहक जुल्म किया जा रहा है उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से उसके ऊपर सख्ती की जाए और फिर वो दुआ करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा बल्कि आपसे पहले अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह तबारक वाल उसकी दुआ जरूर कबूल करता है बहुत सी इसकी मिसालें हदीस और कुरान में मौजूद हैं जिनमें से एक मिसाल ये सही किस्सा भी है चौथा फायदा इंसान को चाहिए कि मुसायब से परेशान ना हो मुश्किल से वो घबराए नहीं बल्कि सबर और शुक्र से काम ले क्यों ये नुकता बड़ा अहम है जरा गौर करेंगे इसलिए कि बसा औकात एक छोटी सी मुसीबत इंसान के लिए किसी बहुत बड़े फायदे का सबब बन जाती है एक मोमिन को इसके ऊपर ईमान रखना चाहिए जैसा कि इस लड़की के ऊपर एक मुसीबत आई उसकी तफ्तीश जो की गई जो तलाशी ली गई तो शर्मगा तक को नहीं छोड़ा गया लेकिन साथियों उसका नतीजा क्या निकला इस मुसीबत केवर अल्लाह तबारक तआला ने उसे नबी करीम वसल्लम की सोहबत और आप वसल्लम पर ईमान की दौलत से नवाजा है अल्लाह ईमान की दौलत से इसीलिए एक मोमिन को खा कितनी परेशानियां लाइक हों खा, कितनी मुश्किल उसके सामने आए उसे अल्लाह तबारक तआला के बारे में बदवन नहीं होना चाहिए और अल्लाह तबारक तआला से हुस्न वन का दामन कतान नहीं छोड़ना चाहिए इसी तरीके से इस किस्से से एक बहुत बड़ा फायदा यह भी हो रहा है कि शायद ये लौंडी वही लौंडी है जिसके बारे में कहा जाता है कि नबी करीम वसल्लम ने उस लोडी के इंतकाल पर जब सहाबे कराम ने उसकी शान को हल्की और हकीर समझते हुए उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला नहीं दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में दरियाफ्त फरमाया और उसकी कब्र पर जाकर के आपने दुआ की जैसा कि सही बुखारी और मुस्लिम में हदते ताला से मेंदी है कि एक काली लउंडी एक काली औरत कानत तकुमुल मस्जिदा मस्जिद के अंदर झाड़ू दिया करती थी मस्जिद की सफाई किया करती थी तो जब आप ने उसे एक या दो दिन बाद रवायात में है कि वो लड़का था वो आलम लेकिन रावी को शक है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दो दिन उसे नहीं पाया तो आपने पूछा कि वो कहाँ है तो सहा ने कहा उसका इंतकाल हो गया और उसे हमने दफन कर दिया है तो नबी करीम सल्लम ने फरमाया अः आजन तुमोनी तुम लोगों ने मुझे उसके बारे में खबर क्यों नहीं दी फिर उसके बाद आप सल्ला फरमाया कि मुझे उसकी खबर का पता बताओ कहाँ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर तशरीफ ले गए और नमाज जनाजा पढ़ी तो यहीं से मालूम यह हुआ कि अगर कोई शख्स अपने किसी मैत के जनाजे में हाजिर ना हो सके दूर था बाद में पहुंचा है तो उसके लिए ये मशरू है कि वो उसकी नमाज जनाजा उसकी कब्र के ऊपर जा करके पढ़ सकता है और ये उसके लिए जायद है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र के ऊपर तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन हादीहिल क़बूर मुमतलतुल ग़ुलमता ये कब्रें तारीकी से भरी हुई थी इन कब्रों में तारीकी छाई हुई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर नमाज़ पढ़ी और दुआ की तो आप वसल्लम की दुआ की बरकत से अल्लाह ने उन कब्रों को नूर से भर दिया मालूम यह हुआ कि जो लोग कब्र की जियारत को जाते हैं जैसा कि जाना चाहिए उनकी दुआ की वजह से अल्लाह तबारक तआला मैत को फायदा पहुंचाता है उनमें से एक फायदा यह भी है कि कब्र की तारीकी दूर होती है इस किस्से से एक बड़ा अजीम फायदा यह हुआ कि काफिर और फासि से भी कभी अजायब और गरयब का जहूर होता है इस नुकते को लोग बहुत कम समझते हैं जब भी किसी शख्स से कोई अजीब व गरीब उसके साथ चीज ऐस के बुजुर्ग होने उसके वीर होने या उसके साहब करामत होने का अकीदा रखना शुरू कर देते हैं ये बात सही नहीं है अल्लाह तबारक वाल कभी कभार उसको नवाजने के लिए जैसे कि इस लड़की को नवाजने के लिए कभी कभार काफिर की आजमाइश के लिए अल्लाह तबारक तआला उससे अजीब व गरीब चीज का जहूर फरमाता है जिस तरीके से दज्जाल सबसे बड़ी मिसाल है उस बदब्त को अल्लाह तबारक तआला यहां तक सराहियत अता फरमाएगा कि वो शख्स यानी दज्जाल एक मुसलमान को कत्ल करके दोबारा उसे जिंदा कर देगा उसे तो यह भी सलाहियत आता फरमाएगा कि वो कुछ मुसलमानों के पास से या कुछ आम इंसानों के पास से वो गुजरेगा और उनसे कहेगा क्या तू मेरे ऊपर ईमान ले आता है वो कहता है कि नहीं फिर वो कहेगा क्या अगर मैं तेरे मां बाप को जिंदा कर दूं और वो लोग इस बात की गवाही दें कि मैं तेरा रब हूं तो तू मानेगा कि नहीं मानेगा इतने में दो शैतान उसके मां बाप की शक्ल इख्तियार करके उसके मां बाप की सूरत में वाहिर होंगे और कहेंगे बेटा ये तुम्हारा रब है इसके ऊपर ईमान ले आओ तो वो इस धोखे में आकर के ईमान ले आएगा तो बात मैं यह कह रहा था कि अजीबो गरीब चीजों का वहूर बसा औकात काफिर और फासिको फिर से भी हुआ करता है जैसा कि ये काफिर थी लेकिन अल्लाह तबारक इसकी दुआ कबूल कर ली और दुआ ऐसी कबूल की कि एक चील जो उस कमरबंद को लेकर के उड़ गया था अल्लाह ने दोबारा उसे भेजा और आकर के बे नहीं उसी जगह उस कमरबंद को गिरा देता है जिससे इस लड़की की बराहत जाहिर हो जाती है तो ये अजीब व गरीब चीज से नवाजना कभी अल्लाह ताला उसके जरिए उसको फायदा पहुंचाना चाहता है ऐसा कि लौंडी को फायदा पहुंचाया और कभी उसकी वजह से उसके किब्र के अंदर उसके कुफर में इजाफा फरमाना चाहता है ताकि अल्लाह तबारक तआला उसके अवाब में मजीद इजाफा करे जिस तरीके से अल्लाह काफिरों को बहुत सी नेमतों से नवाजा है इसी तरीके से आपल्लम के जमाने में जो वाकया पेश आया उससे एक बहुत बड़ा फायदा हमको यह मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलक करीम आपकी बेहतरीन आदत आपकी अच्छी आदत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और कमजोरों का किस कदर एहतमाम किया करते थे जरा सोचें एक तो लौड़ी जरा सोचें दूसरे काली कलूटी इसके लिए जब कोई मुनासिब जगह ना मिली तो नबी करीम वसल्लम ने उसे अपनी पाक मस्जिद में जगह आता फरमाई सच कहा है किसी शायर ने कि वो नबियों में रहमत लका पाने वाला मुरादें गरीबों की बर लाने वाला मुसीबत में गैरों के काम आने वाला वो अपने पराए का गम खाने वाला तो नबी करीम अलैहि वसल्लम का ये हसन खलूक इस बात की वाज दलील है एक इल्मी फायदा ये समझ लीजिए बाद उल्मा ने इस हदीस से ये इसल किया है मजबूरी की हालत में या सख्त जरूरत की हालत में हैज वाली औरत मस्जिद के अंदर ठहर सकती है इसलिए कि इस औरत का मस्जिद में खेमा लगाना इस बात की दलील है कि औरत मस्जिद में ठहर सकती है और जाहिर बात है औरत एक ऐसी जात है कि उसे हैज एक ऐसी चीज है जिससे उसको सावका पड़ता है उसको सामना पड़ता है उसको जरूरत पड़ती है लेकिन आप अलैहि वसल्लम को बगैर किसी रोक टोक के और किसी भी हदीस में नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस हालत में मस्जिद से बाहर जाने का हुक्म दिया हो तो बाद ने इससे बादल किया है अलबत् जो उल्मा इसको नहीं मानते वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये लौड़ी इस उम्र को पहुंच चुकी हो कि अब उसको हैद नहीं आ रहा है जैसा कि इससे भी वादे होता है कि लोगों ने अब उसे आज़ाद कर दिया था यानी अब वो इस उम्र की पहुंच चुकी थी चूंकि खिदमत नहीं कर सकती थी कोई बड़ा काम नहीं कर सकती थी तो इसलिए लोगों ने उसे आज़ाद कर दिया वल्लाहु आलम अला हाल एहतियात का तकाजा यही है कि हैज की हालत में औरत मस्जिद के अंदर ना बैठे खास सुनना ही है इल्ला ये की कोई और मजबूरी की सूरत हाल हो कि अब इसके बगैर काम नहीं चलता है इसी में एहतियात है इसी तरीके से इस हदीस से एक फायदा यह भी निकलता है कि अल्लाह की नेमतों का जिक्र अगर अल्लाह ताला ने किसी बंदे के ऊपर कोई नेमत की है किसी बड़ी नेमत से नवाजा है तो अगर उसका जिक्र बतौर अल्लाह के शुक्र के किया जाए लोगों के सामने अल्लाह के शुक्र के इजहार के तौर पर किया जाए फख्र के तौर पर नहीं गुरूर के तौर पर नहीं अपनी बड़ाई जाहिर करने के लिए नहीं अगर अल्लाह तबारक व तला की नियमत को शुक्रिया के तौर पर किया जाए

ये खालिस अल्लाह तबारक तआला का फजल और अल्लाह तबारक तआला की नियमत من يشاء. ये, ये अल्लाह तबारक तआला का फजल है ये किसी इंसान की किस इसमें बहादुरी नहीं है ना किसी इंसान का कमाल है इसीलिए अगर इंसान को हिदायत की नमत मिले तो उसके ऊपर बंदे को और भी शुक्र अदा करना चाहिए जैसा कि अल्लाह तबारक तआला ने इस लड़की को जब निजात दिया ये लड़की शुक्र के तौर पर ये शेर पढ़ती थी वजवी शाही मिनत आजीवी और अबिना और आखिरी फायदा यह है कि इब्तला और आजमाइश अल्लाह तबारक वाला की सुन्नत कौनिया है जिससे हर एक को सबका पड़ता है एक मोमिन को भी और एक काफिर को भी एक मोमिन भी बीमार होता है एक काफिर भी बीमार होता है सैलाब आता है मोमिन का भी नुकसान होता है और काफिर का भी नुकसान होता है लेकिन फर्क यह है कि एक मोमिन ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला से जिस रहमत की उम्मीद रखता है वो काफिर नहीं रखता इन तक अलमूना कमाता तअलमून व तरजून ला यरजून और अल्लाह तला से तुम उस खैर उम्मीद रखते हो जिसकी वो उम्मीद नहीं रखते अल्लाह ताला से दो आहे कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी आयत कौनिया पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए आज की मजलिस यहीं पर रोकते हैं अगली मजलिस एक नए किस्सा लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए आपसे इजाजत है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें